हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और आज मैं जा रही हूँ फिर से शादी की शॉपिंग करने। मेरी नाक पे ना देखो कितना बड़ा पिंपल हो गया, बहुत गंदा लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब हमें कुछ फंक्शन में जाना होता है, कुछ करना होता है, तो हमारी नाक पे हमारे फेस पे बहुत बड़े बड़े पिंपल निकल आते हैं। बट अब मैं फ्रंट फेस से ब्लॉग कम ही करूँगी आज, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही है इस पिंपल के साथ। वैसे मुझे ऐसा फील नहीं होता ज़्यादा, कोई नहीं, नेचुरल है, सबको हो जाते हैं। बट मास्क पहनूंगी और मास्क पहन के ही बाहर जाऊंगी। तो चलो गाइस, फटाफट चलते हैं और शॉपिंग करके आते हैं। जो जो चीज़ें बची हैं, मुझे पापा का कुर्ता भी लाना है और दो तीन चीज़ें और हैं लेकर आनी है, मम्मी की भी एक दो आउटफिट लेके आनी है। सो यस, लेट्स गो गाइस। ये इतना बड़ा वेडिंग लहंगा है मेरा, डिज़ाइनर सब्यसाची शिल्पा लेके आई है। मेंटल दिमाग इधर देख, मैं शक्ल नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? बहुत बड़ा पिंपल, शादी से पहले शक्ल नहीं दिखा रही है गाइस, क्योंकि नजर ना लग जाए। गाइस इतना बड़ा पिंपल है, इतना बड़ा पिंपल है ना मुंह पे। मास्क पहनूंगी उसके बाद ही दिखाऊंगी शक्ल। पर इसमें क्या है इतने बड़े, दूर होंगे इसमें। बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कर रही है शिल्पा तो। गाइस यार, तो बहन की शादी में ऐसे ही होता है, बहन को तैयारियां करनी पड़ती। तेरे नहीं है पर ये दोनों ही मेरे हैं। अच्छा, मुझे बाद में पता चलेगा। छोले कुलचे आ गए गाइस मेरे, चलो बाय। बाद में एक तो ब्लैक फ्राइडे सेल, ऊपर से म्यूजिक देख लें का कि बंदा भाग भाग के कपड़े ले। बहुत भीड़, हाँ काफी भीड़ है गाइस ब्लैक फ्राइडे सेल पे। ये कल सस्ता स्क्विड गेम खिला रहे हैं मॉल में गाइस। कहाँ से लिया बताओ? कैसे हैं आप? हेलो मैम, प्रीति बुला रही है। ग्रीन, रेड। अब साहिल के कपड़े लेने आए गाइस। बहुत ज्यादा वो बता देंगे ना, वही देंगे। सो गाइज, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने ज़्यादा बाहर व्लॉग किया नहीं, बहुत कम कम व्लॉग किया मैंने। आके फटाफट चेंज कर लिया, हेयर वॉश कराए हैं और मैंने पापा का कुर्ता लिया है और मम्मी की ड्रेसेस ली हैं। सो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। पापा का कुर्ता तो यार चला गया वहाँ पे शिल्पा की कार में, तो जो दो ड्रेसेस हैं मैं वो दिखाती हूँ तुम्हें, हल्दी की और एक है नॉर्मल वेयर, मतलब हमारे में भात होता है तो उन सब में पहन सकते हैं मम्मी अगर उनको पसंद आएगी। वैसे उनके लिए लहंगा भी है तो जो अच्छा लगेगा वो पहन लेंगी, बट मैंने फॉर अ सेफर साइड अपने लिए भी उनके लिए भी मंगा लिया है कि अगर लहंगा पहनने का ना मन करे तो वो पहन सकती हैं। और यार मेरे पास फ़ोन ही है, ट्राईपॉड मेरा ना ट्राईपॉड टूट गया, मुझे खुद ही करना पड़ेगा व्लॉग जैसे तैसे कहीं ना कहीं रख के। सो लेट मी डू इट। ये ड्रेसेस हैं गाइस, एक ये सूट है और ये मरून पूरा फ्रॉक सूट है और ये उसका दुपट्टा है। मैं एक एक तुम्हें ओपन करके अच्छे से दिखाती हूँ। मैं जिससे मैंने मंगाई हैं ड्रेसेस, मैं उस पेज को भी टैग करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे। मैंने उनके साथ दो तीन बारी कोलैब में भी किया हुआ है काम और उनका काम बहुत अच्छा है, उनकी ड्रेसेस बहुत अच्छी है, वो भिजवा देते हैं अगर मुझे इमरजेंसी में भी चाहिए होती है। सो यस, तृष्णा लेबल करके, तृष्णा लेबल है, आप लोग इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं और उनके पास काफ़ी अच्छी आउटफिट्स होती हैं। मैं दिखाती हूँ तुम्हें वन बाय वन। गाइज मैंने अपने पिंपल की वजह से बहुत दूर फ़ोन रखा है और 0.5 पे बना रही हूँ। पहले ये वाली ड्रेस की ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कैसी है। गाइज कमेंट में सब शिल्पा को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल देना, क्योंकि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं यूट्यूब पे और हम उसका सेलिब्रेशन आराम से करेंगे जब ये शादी वाला सब कुछ निपट जाएगा, उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी है और कल हमें फाइनली निकलना है लोकेशन के लिए जहाँ पर शादी है, तो कल से फंक्शन सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो या वाओ, इतना हैपनिंग सा सूट है। सो गाइज ये है पूरा सूट ग्रीन कलर का फॉर मेहंदी, अगर मम्मी ने नहीं पहना तो मैं पहनूंगी। और ये मेरे ख्याल में ना अफगानी वाला है, इसकी स्लीव्स भी बहुत सुंदर है।
पूरा वर्क ऐसे स्लीव्स पे और नीचे ऐसे। सूट बहुत प्रिटी है, वो शॉर्ट वाले सूट होते हैं ना वो है। और इसके साथ है इसका सलवार, सलवार अफगानी है ये, प्रॉपर सूट भी एक अफगानी लुक में ही है तो अच्छा लगेगा मम्मी पे। बट मेरी मम्मी की ना हाइट थोड़ी छोटी है पर चल जाएगा, इतनी भी छोटी नहीं है। ऐसे अफगानी सलवार है, इसका दुपट्टा पूरा ऑर्गेन्जा में और नीचे ये कॉइन्स लगे हैं। इनको कॉइन्स बोलते हैं क्या बोलते हैं जो ही बोलते हैं, पर इसकी आवाज़ अच्छी है तो उनके ऊपर बहुत बहुत सुंदर लगेगा ये सूट। सो ये है फॉर मेहंदी। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें ये वाली ड्रेस, ये किसी ओकेशन की नहीं है, हम बाद में पहन सकते हैं और हम पहले भी पहन सकते हैं। अब इतने दिन रहना है शादी के घर में तो ड्रेसेस तो अच्छी अच्छी चाहिए थी गाइस। सो दिस इज़ अ फ्रॉक सूट, पूरा वेलवेट में है और ये कुछ ऐसा है, इसके स्लीव्स ऐसी हैं गाइस और इसमें लटकन भी हैं दो। इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा बहुत प्रिटी है, सी ऐसे बॉर्डर है पूरे दुपट्टे पे और ग्रीन दुपट्टा है। मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे वाले दुपट्टे यार। तो ये हो गया वो क्या कहते हैं दुपट्टा। अब मैं इसकी तुम्हें पैंट्स दिखाती हूँ। इस ओ शिट पन्नी फट गई यार, पैंट्स भी बहुत सुंदर है, प्लाजो है पूरा प्रॉपर और एंड्स पे ऐसे ये बॉर्डर है इसके, बहुत ही सुंदर भेजे हैं तृष्णा ने, उनका नाम भी तृष्णा है तो तृष्णा बहुत बहुत सुंदर हैं दोनों आउटफिट्स। सो यही है गाइस मेहंदी और उसकी मम्मी के लिए। बाकी मेरी जो आउटफिट है वो तो आपको ओकेजन के हिसाब से ही पता चलेंगी, जिस दिन जो वो है फंक्शन उसके अकॉर्डिंग तो उस पर तो मैं व्लॉग बनाऊंगी। और अब बहुत फ़न व्लॉग्स आने वाले हैं कल से, क्योंकि कल हम पहुंच जाएंगे अपनी मासी के घर और जो फ़न करने वाले हैं हम सब मिलके, बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट टाइम तुम्हें जाटों की वेडिंग देखने को मिलेगी मेरे व्लॉग्स में, अब तक मैंने नहीं दिखाई ना जाट वेडिंग कोई अपने व्लॉग्स में, फर्स्ट वेडिंग है ये। तो हमारे में जैसे गीत होते हैं सब कुछ होता है, पूरा ट्रेडिशन सब कुछ दिखाएंगे। आई होप मैं बिना शर्माए फैमिली के बीच व्लॉग कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे लिए कंटेंट निकालूँ ताकि तुम्हें बहुत मज़ा आए और हम सब मिलके बहुत फ़न करने वाले हैं गाइस। अभी तो मेरी हालत बहुत डेड हो चुकी है और मैं एक चीज़ और लाई हूँ, एक सेकंड गाइस। जिन गर्ल्स बॉयज़ को भी जिनको ऐसे गंदे वाला पिंपल होता है ना, ये सबसे वर्स्ट वाला पिंपल है जिसमें वाइट वाइट पस आ जाती है और इतना मोटा हो जाता है, तो जिनको ये हो जाता है ना ये आते हैं एक्ने रिलीफ पैच, किसी भी ब्रांड के ले लो, वैसे ये फर ब्रांड के हैं तो, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पहले यूज़ किए हुए हैं। इसमें आपको मिलता है 12 mm, 10 mm, 8 mm और ये वाटरप्रूफ होते हैं। मैं फटाफट ना ये सब समेट के आती हूँ और इसको लगा के दिखाती हूँ और इसके बाद क्या होता है ना, अगर तुम इसको पूरी रात, ओ शिट दर्द हो गया, अगर तुम इसको अपने पिंपल पे पूरी रात लगा के सोओगे ना तो सुबह तक ये पिंपल को सुखा देता है और फिर इसको उतारोगे तो ये जो गंदी पस होती है ना उस पैच के साथ ही निकल के आ जाती है, ज़्यादा पेन नहीं होता उसमें। प्लीज़ अभी मैंने देखा बहुत गंदा एंगल आया हुआ है, पूरा बेड दिख रहा था तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मेरा ट्राईपॉड टूट गया बट मैं फटाफट उसको लेके आऊँगी और सो सॉरी, कोऑपरेट कर लेना बस उस वाली क्लिप में यार, सॉरी गाइज। तो गाइज इसमें से निकलते हैं ये पैचेस, तो जिस साइज़ का आपका पिंपल है उस साइज़ का लगाओ, मेरा पिंपल है इस साइज़ का, इतना बड़ा पिंपल है, वैसे ये लगाऊंगी मैं ताकि उतारने में इजी हो और बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं आपके पिंपल पे, तो मैं फटाफट लगा के आती हूँ। वैसे मैंने ये भी यूज़ की थी बेंजोइल पेरोक्साइड 2 दिन से कि पिंपल कम हो जाए, बट वो तो और ज़्यादा हो गया गाइस बिकॉज उसको निकलना ही था पूरा, बट ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, अगर पिंपल हो जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एक और होती है क्लिंडामाइसिन, मैंने दोनों यूज़ की हुई हैं, अच्छी क्रीम होती है। गाइस इट्स डन, ये रहा पिंपल और मैंने पिंपल पे पैच लगा लिया है और वो टाल इग्नोर करना। अब मैं सीधा जा रही हूँ सोने क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सुबह उठते ही पैकिंग करनी है, मम्मी भी नहीं है, मम्मी के बिना सब कुछ करना है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊँगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब बाय।